चलेगा 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 कोई बात नहीं. इंस्पायर्ड बीइंग गुड एक्टर यू डू गुड जॉब. थैंक यू थैंक यू. अरे खा अरे ये कबीरा शू करे फोटो बोकला थैंक यू. ये पर्सनल फोटो सेशन इनका मैडम पे जाएगा ना रील्स रील्स में जाएगा. नहीं वो एक रील बना दिया ना उन्होंने उधर अहमदाबाद में गौरव ने जो शूट किया उसके ऊपर उसके अरे थैंक यू. So I feel like I'm delivering a child. This making journey as a new filmmaker, it was almost like जैसे labor pains होती है ना माँ को बच्चा पैदा करने से पहले, तो खुशी भी होती है, excitement भी होता है कि मेरा बच्चा कब release होगा. इसीलिए मेरी डीपी में भी, मेरी व्हाट्सएप डीपी में भी एक प्रेग्नेंट की पिक्चर है. मेरी फिल्म में जो मैं दिख रही हूँ उसकी पिक्चर है और सब मुझसे पूछते हैं आर यू एक्सपेक्टिंग आर यू एक्सपेक्टिंग. मैंने कहा आई एम गोइंग टू डिलीवर द बेबी विच इज़ माई फिल्म. सो आज मैं अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज करूँगी और अब मैं फाइनली अपनी प्रीमियर की पिक्चर दिखाऊँगी क्योंकि मेरा बच्चा रिलीज़ हो रहा है जिसमें बहुत शिद्दत से, प्यार से, ब्लड से, स्वेट से, बहुत सारे लोगों ने सहयोग आई मीन हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत सपोर्ट किया है. सो मेरी पुश्तों ने भी कभी फिल्म रिलीज़ नहीं की है, एज इन फिल्म बनाई नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन तो दूर की बात. तो मैं आप हूँ, मैं वो आम इंसान हूँ जिसके मन में सपना होता है कहीं ना कहीं क्रिएटिव एस्पिरेशंस को पूरा करने का. So yes, I'm excited. My family has been very supportive, and hope. Yes, मैं nervous थी. इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये इतने उतार चढ़ाव जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, जिसकी मुझे नॉलेज भी नहीं थी, उसके लिए मैं नर्वस थी. सो बट बहुत सारे एंजल्स ने गाइड भी किया. अगर कुछ सांपों ने डसा तो बहुत उससे कई गुना ज़्यादा एंजल्स ने आके सपोर्ट भी किया. जैसे बोलते हैं ना वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जेन्युइनली इट इज़. मैं इस जैसे मैंने बार बार बोला है, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की एक चिड़िया को भी नहीं जानती थी. शुरुआत में मेरे क्रश थे समीर सोनी और उन्हें मैंने इंस्टा से रीच आउट किया. फिर मेरे बचपन के क्रश रहे हैं जुगल हंसराज, उनको कहीं किसी इवेंट पर मिली. सो मैं सिर्फ और सिर्फ यू नो कुछ एक जावेद पठान को जानती थी, जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा किसी को नहीं जानती थी. बट आप यू ओनली नीड टू नो ए एंड जी एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स, तो कारवा बनता गया. तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है. टू आंसर योर क्वेश्चन पारुल, बहुत सारे लोग चाहे वो टेक्निकल डोमेन से हो, फिल्म इंडस्ट्री डोमेन से हो, जो ये बोला जाता है ना कि आपके बाप दादा इस इंडस्ट्री से हो तभी आप अच्छा कर सकते हो. मुझे नहीं पता कि ये फिल्म क्या करेगी आगे नहीं करेगी, पर आप अपना सपना साकार कर सकते हो अगर आपके मन में सच्चाई हो, शिद्दत हो और आपके कंटेंट में ठीक ठाक दम हो. तो लोग बहुत सारे सपोर्ट करने वाले भी हैं. सो पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल. सो मैं यही इनकरेज करूँगी आप लोगों को भी, बहुत सारे लोग अगर सुन रहे हैं तो अपने सपने की तरफ कोशिश तो करिए. होता है, थैंक यू. ये हर एक्टर का सपना होता है कि ये दिन आए, और तकरीबन 14 साल से टीवी कर रहे थे, पर बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा है और बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म है. मतलब आज तक लोगों ने हमें हमेशा विलन के रूप में देखा होगा, कभी घोड़े से किसी को दौड़ा रहा हूँ, कभी पिस्टल से चला रहा हूँ. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ ये फिल्म बनी है. और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला एक्टरों का सपना होता है, तो एक बहुत खूबसूरत सा सपना है जो हमारा साकार हुआ.
उपिंदर मैडम की बदौलत, और या एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी एंजाइटी, बट एक लग रहा है कि चलो अपने ज़िंदगी के पड़ाव में एक राह में एक कदम आगे बढ़ गए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से हैं, हम लोग एक्टिंग कर ले वही बहुत बहुत बड़ी बात है। एक इंसान जो पूरा परिवार संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहे हैं, जो किसी भी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से ना कोई लेना देना है ना कुछ है, बट आई थिंक गुंजन एक एग्जाम्पल सेट करती है कि एक इंसान किसी भी चीज़ को ऑनेस्टी से, एक पैशन से लग जाए तो हर एक चीज़ बहुत प्यार से और एक मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है। एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। आई डू वांट टू गिव वन क्रेडिट जो मैंने आज तक नहीं दिया। मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री के राइटर्स को अप्रोच किया, मुझे बहुत महंगे राइटर्स भी मिल रहे थे, तो मुझे पठान ने इनकरेज किया कि गुंजन तुम इतनी अच्छी कविताएं लिखती हो, तुम क्यों नहीं लिखती। तो ये मेरी पहली लिखी फिल्म है, सो मैं नहीं कहती वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म है, बट आपको अच्छी लगेगी। और थैंक्स टू पठान दैट ही इनकरेज मी। मुझे कभी भी गुस्सा आता पठान पे, पर मैं मुझे ये खुशी होती है कि इस पठान ने मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे इनकरेज किया लिखने के लिए, और मैंने कलम स्क्रिप्ट राइटिंग पे, स्क्रीन प्ले पे पढ़ना शुरू किया, और ईश्वर की कृपा से अच्छी लिख ली। यस, और एक बात और कहना चाहेंगे कि ये गुंजन के साथ मेरी पहली प्रोजेक्ट नहीं है, इनके साथ हमने 3 म्यूज़िक वीडियो भी किए हैं जो जी म्यूज़िक पे हैं, और अभी ये उन्होंने बताया तो मुझे खुशी है। और ये कि यार ये बहुत अच्छा किया था, इनको मैंने बताया था क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखती थी, मैंने कहा कि आप लिखना शुरू करें, और देखिए इसका फ़ायदा देखिए कि आज आपके सामने यहाँ PVR में खड़े हैं। यस, वी आई एम वेरी हैप्पी। बल्कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो बहुत मज़ा आया था, और जब मैं ये मुझे अप्रोच किया था गुंजन ने इस फिल्म के लिए, तो मैं गुंजन को नहीं जानती थी, और मुझे लगा कि पता नहीं इतनी दूर अमेरिका जाओ और कैसे लोग होंगे, क्या होगा। फिर मैंने गौरव गेरा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं भी चांस ले रहा हूँ, चलते हैं। फिर हम लोग फ़्लाइट में बैठे सियाटल के लिए, और बहुत लंबी फ़्लाइट थी। मैंने कहा गौरव क्यों तुमने हाँ बोला, इतनी लंबी फ़्लाइट, चले जा रहे हैं, कब पहुँचेंगे। खैर जब हम पहुँचे और इन लोगों से मिले, सो इट वॉज रियली वंडरफुल। द बेस्ट पार्ट, दे ऑल आर वेरी ईगर टू मेक एंड क्रिएट स्टोरीज, एंड स्पेशली फॉर गुंजन, शी वॉन्ट्स टू टेल स्टोरीज विच एवरीबडी एल्स इज लिटल स्केयर्ड और स्केप्टिकल अबाउट टॉकिंग अबाउट दोज इश्यूज ऑफ रिलेशनशिप्स। सो दैट्स रियली वंडरफुल, and I'm happy I was part of this film, and I'm very happy that it's releasing finally. And above all, Sadhya ka jo role hai, it's a very bold role, jo main bhi reluctant thi explain karne mein, and I was reluctant that I feel honored that you accepted. To inka kirdaar bahut hi alag hai aur itni khoobsurti se inhone nibhaya hai, please don't trust me, watch the film, you'll see it. Thank you so much. Yeah, in fact I saw glimpses of it sometime back, but very few small little glimpses. But you know, before I say anything, I must mention one thing. You know, there are some people who are born with creative ingenuity. You know, she is creatively gifted. It takes a lot of guts to create what she has created. I'm watching it for two reasons. Number one, I know she is creatively gifted, but more importantly, she is very passionate. Her energy, her passion is unbelievable. I know her personally now for quite a few days now, and I cannot tell you how much I'm looking forward to watch this particular film. Gunjan, I wish you all the best, and yes, needless to say, it's created a lot of flutter because of Parul. Yes, and obviously because I'm assuming that the content itself is quite thought provoking, you know, slightly, which is genuinely clutter breaking. Hum sab kehte hain hamari film alag hai, alag hai. Iski positioning jo hai wo kafi clutter breaking hai, disruptive hai, and that's why I can't wait to watch it. Yeah.
Wish you all the best. Thank you. Yeah. And I hope you rock. Thank you. I do want to add, which I said in the press show yesterday, कि हमारी फिल्म की जो USP है, it is sexy stories without the sex. मेरा ये मानना है कि क्या बोल्ड थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट न्यूडिटी फॉर द हेक ऑफ इट. सो इफ यू फील दैट नो द आंसर इज नॉट रियली देन यू हैव टू सी द फिल्म. यस, ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड. ऑल द बेस्ट गुंजन. First of all, a big thank you for having me here and congratulations to the entire team. मैंने ट्रेलर देखा था एक्चुअली फिल्म का, और ट्रेलर देखने के बाद ही मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग, यू नो, अ बोल्ड सब्जेक्ट जो शायद हमारी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे ना करे पता नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी फिल्में और ऐसा कंटेंट, या इट्स ऑलवेज वेलकम, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट, जो जैसा ट्रेलर हमने देखा था बहुत अलग टाइप की फिल्म दिख रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड एंड यू नो कि फिल्म कब चालू और मैं कब देखूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई नो देयर इज लॉट ऑफ गुड एक्टर्स, बट मेरा पर्सनल पिक होगा भाग्यश्री जी. यू नो एज अ किड वी हैव बीन वॉचिंग हर एंड यू नो एडमायरिंग हर फिल्म, और फर्स्ट फिल्म मैंने प्यार किया कबूतर जा कैसे भूल सकते हैं. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर भाग्यश्रीज रोल एंड हर कैरेक्टर. एंड एज द टाइटल सेज इट्स लाइक अ ग्रे फिल्म जो ब्लैक और वाइट नहीं हो सकती है. इट्स अबाउट लस्ट एंड डिज़ायर्स, लव एंड डिज़ायर्स. सो या इट्स समथिंग इन बिटवीन. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होगा इसमें और डिज़ायर्स कैसे होंगे. एंड इट्स अबाउट NRI वाइफ. सो आई हैव बीन पर्सनली स्टेड इन द US फॉर फ्यू मंथ्स. सो मुझे पता है कि वो कैरेक्टर्स और आप कैसे यू नो वहाँ पर डील करते हैं लाइफ को. सो NRI वाइफ जैसे टाइटल बोलता है तो कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं डेली लाइफ में, और जैसे कहते हैं कि एक छत के नीचे आप जब तक नहीं रहते हैं आपको लाइफ समझ में नहीं आती है, या शादीशुदा लाइफ नहीं समझ में आती है. तो लेट्स सी अप्स एंड डाउन्स कैसे होंगे. तो या सॉरी, किसकी आवाज़ में, उसकी आवाज़ में क्या कहना चाहूँगी, I don't know. I'm so sorry. I didn't understand that question. I would like to wish them all the very best. They look a very different star cast, and you know, it's looking quite interesting on the poster. And I'm really looking forward to watch it. And I'm sure it's going to be a great, great story. Lot of them, like Sameer Soni is there, he's like one of my favorite I've seen in since my childhood. Then Gaurav Gera is there, so I think it's going to be fun to watch them. I have to just say, no, what no, she's gonna ask. Ah, okay. She's a please. I think a film, first film is always special. I am very happy that she has managed to come so far. And she has no background in the film industry, so I think it's a great step. We are all very excited to see what you have done, and I hope you make more and more films. And yes, we are with you. Yes, thank you. Yeah. I need more learning, blessings, and wisdom from experienced people like you. We are there to support you thank in you. Every step. See, and industry बहुत अच्छी भी है. अगर आप में शिद्दत हो, अच्छाई हो, और सच्चाई हो. तो लोगों को दिखती है. आई मीन सच्चे लोग मिल जाते हैं. जी, पीपल, ऑनेस्ट सिंसियर पीपल, दे ऑलवेज कम टुगेदर एंड मेक क्रिएट मैजिक. जी, आई थिंक यू ऑलरेडी डन इट वंस, होप यू डू इट अगेन. आई मीन वी ट्राई टू डू द बेस्ट दैट वी कुड, एंड अच्छी बनी है. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, टू डू द बेस्ट. जी, तो थैंक यू विशाल, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन द स्टेज, वेरी हैप्पी टू शेयर द स्टेज विद यू. And hope and to I hope create you something looking forward to interesting working with stuff you. Going ahead. सबके सामने बोल दिया अब. Thank you. अब मुकर नहीं सकते. Sign when भी करो. I think the biggest achievement is Gunjan जो है, she's very headstrong और उसको पता है कि करना क्या है, क्या चाहिए. Which I think plays a huge part in making this happen. बहुत सारे friends इसमें जुड़ के इन्होंने film बनाई है. गुंजन है और साथ में कपिल है. एंड जब हम USA में शूट करने गए थे तो गुंजन का एक जो सेट ऑफ फ्रेंड्स है, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे सेड लेट्स क्रिएट समथिंग. आई थिंक वो जो फीलिंग है वो बहुत वंडरफुल है. एंड टू मेक इट हैपन
उसकी रिलीज भी अच्छे से कराना और विच इज़ अ बिग फीट आई फील. और बाकी फिल्म के लोग देखेंगे तो दे विल डिसाइड हाउ दे लाइक इट. मेरे लिए शूटिंग एक्सपीरियंस में सियाटल मुझे बहुत खूबसूरत लगा. मैं पहले कभी नहीं गया हुआ था एंड जस्ट लाइक आई सेड क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स शूट कर रहे थे द एनवायरनमेंट वाज वेरी फ्रेंडली होमली और ऐसे लगा था कि हम भी उसके फ्रेंड्स में घुल के फ्रेंड्स बन गए. सो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल फीलिंग. जी 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 राइमा के वो मैं डेफिनेटली देख चुका हूँ. उनका काम मैं बहुत पसंद कर चुका हूँ. आई हैव सीन हर इन मूवीज एंड स्टफ एंड शी इज़ फैंटास्टिक. और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आई एम विद हर इन द मूवी. आई कुड वी कुड क्रिएट टुगेदर. और साथ में हमारे सादिया भी थी हमारी स्टोरी में. तो सादिया ऑल्सो आई एडमायर अ लॉट. आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. तो एक अच्छा सा टीम था. हमारे डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं विभू. सो इट वॉज जस्ट लाइक गुड एनर्जी इज मीटिंग. आई हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू आप सबका यहाँ पर आने का. थैंक यू. आई होप यू आर लाइक द फिल्म. Just a woman supporting another woman. It was amazing to see the kind of focus that Gunjan had. Ek sapna tha unka aur wo chahte the ki sapne ko wo bade parde par leke aaye. So for a woman that was so passionate about, you know, her dream, making it come true, maine socha ki I should support someone like this. And that's how it started. Kahani suni. सिर्फ मेरी नहीं बाकी की चार कहानियाँ भी सुनी और लगा कि कुछ अलग है. मतलब जो लोग कहते हैं ना थोड़ा सा हटके, पर ये वाकई बहुत हटके था और आप सब जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. सो इट वॉज समथिंग दैट ट्रिगर्ड दैट दैट आई सेड ओके ये तो करना ही है. सबसे इम्पॉर्टेंट था तो गुंजन हर टाइम रोती रहती थी ऑन सेट. मतलब ये हुआ अरे मैं कैसे कर पाऊँगी आंसू आंसू आंसू. मतलब पूरी ड्रामा क्वीन तो गुंजन थी. लेकिन शूटिंग में हमें बहुत मज़ा आया बिकॉज इट वाज मोर ऑफ स्मॉल यूनिट थी. सो इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली एटमॉस्फेयर और कहानियाँ बहुत अच्छी थी. सो एवरी सिंगल पर्सन वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू finishing the film, getting it done, and looking forward to seeing how it can look as a whole. Thank you. क्योंकि क्या शूटिंग हुई US तो यहाँ से वहाँ जाने तक पता नहीं था क्या होगा. कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा ही कांड हो जाए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बहुत अच्छी बनी है फिल्म. जैसे बोला था वैसा ही बनाया है. जैसे पेपर पे थी वैसे ही थी. इनफैक्ट उससे बेटर बनी है. आई थिंक दो खासियतें फिल्म में. एक तो कम्प्लीटली ओरिजिनल है. आपने ऐसा कोई सीन या ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी होगी सीन वाइज. नॉर्मली होता ना कॉपी कट पेस्ट, वो नहीं है. और इतना बोल्ड टॉपिक किसी ने नहीं छुआ है एंड विद सच सेंसिटिविटी. क्लीन है एकदम. विदाउट एनी न्यूडिटी. जो टॉपिक है उसमें हम इतना रॉन्ग जा सकते थे. आई थिंक जब हमें इनिशियली स्क्रिप्ट मिली 100% हम भी डर रहे थे. नहीं यार क्या करवाओगे. बट द वे दे हैव डन इट हैट्स ऑफ. सिंगल हैंडेडली इंडिपेंडेंट फिल्म आज के जमाने में गुंजन के लिए. गुंजन कितने एक्साइटेड है. हम एक्साइटेड हैं आप लोगों का रिएक्शन देखने के लिए. Exactly. आप फिल्म देखोगे हम आपको देखेंगे. देखो यार जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है लेकिन कुछ मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है. वही खुशी है. हमें पता नहीं था कि ये हो जाएगा. इतना ना बोलो. नहीं यार 2019 की बात. उसके बाद पैंडेमिक आ गया. यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. क्या होगा कैसे होगा. मगर रिलीज हो रही है बहुत बड़ी बात. और वी आर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई थिंक मतलब अपनी तो ना हलवाई को अपनी मिठाई हमेशा पसंद आती है. बट ये जेन्युइनली हम दिल से बोल रहे हैं कि अगर आपको हटके फिल्म देखनी है ये देखिए. और इन सब का काम. अरे अरे सबका काम अच्छा है यार. नो 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 वी हैव अमेजिंग कास्ट. आई थिंक ऐसी कास्ट इकट्ठी इकट्ठी कभी नहीं है. हितेन है, भाग्यश्री है, मैं हूँ, राइमा है, अदिति है, जुगल हंसराज, गौरव गेरा, किकू. आई डोंट थिंक इस लेवल के आर्टिस्ट एक साथ एक फिल्म में
और ऐसे टॉपिक पे कभी भी हुआ है. आई थिंक इट्स लाइक अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू बी टुगेदर. यस यस. ऑडियंस से क्या बोलेंगे? ऑडियंस को यही बोलेंगे आपको अच्छी चीज़ देखनी है, आपको अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं. आप देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी. आप जितना प्यार अब तक हमें सबको देते आए हैं वो प्यार इस फिल्म को भी दीजिए और वही प्यार बरकरार रखिए. थैंक यू. ऑनेस्टली एंड जो बाकी लोग हैं जो स्पेशली कोविड के बाद हम लोग का थिएटर में लोग आने कम हो गए हैं, आई थिंक अगर आपको कोई एक्सक्यूज चाहिए तो ये फिल्म आप थिएटर में देखिए एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. या थैंक यू. थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और जावेद भाई हैं, इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के मामले में और इतने हैंडसम, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे यकीन है कि ये ज़बरदस्त फिल्म रहेगी, लोगों को पसंद आएगी. तो आप सब जाइएगा ज़रूर, मैं आज देख रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी पसंद आएगी. अभी बहुत सारी आएंगी, आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, एक साथ बता देंगे. आज तो NRI वाइफ्स का दिन है. एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली. थैंक यू. थैंक यू.